एवं प्रिय विद्यार्थी, मैं भारत भारती पर पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका विषय है भारत भारती में व्यक्त सांस्कृतिक राष्ट्रीयता। मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य धारा के श्रेष्ठतम कवियों में से एक है। उनकी कविता राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे हम आगे चलकर अगर देखेंगे यही सांस्कृतिक चेतना हमें कहीं ना कहीं प्रसाद की कविताओं में देखने को मिलेगा। वही सांस्कृतिक चेतना का आधार उन्होंने भी लिया है। मैथिली शरण गुप्त ने जिस सांस्कृतिक चेतना को लिया है उसमें अगर हम देखें तो आखिर यह जो सांस्कृतिक चेतना है, जैसे हमारा विषय है आजादी, आजादी को समझने के लिए हमें गुलाबी को समझना आवश्यक है। जिस प्रकार हमें प्रकाश को समझना है तो अंधकार को जानना आवश्यक है। दरअसल गुलामी आजादी के लिए एक अंधकार के समान है। सांस्कृतिकता अगर हम देखें तो यह एक लंबी परंपरा है। बिना संस्कृति को जाने हम अपनी पहचान से विमुख हो जाते हैं। अगर मुझसे मेरा नाम और मेरी भारतीयता छीन ली जाए तो मैं क्या रह जाऊंगा, रिफ्यूजी नंबर 102, उससे ज्यादा नहीं। सांस्कृतिकता हमारी कहीं ना कहीं पहचान होती है। हमारी यह पहचान हमसे अगर छीन ली जा रही है तो हम अपने आप को कैसे प्रदर्शित करेंगे। जब 1912 में यह भारत भारती लिखी जा रही है तब हम देख रहे हैं क्या कि हमारे अंदर से हमारा जो आत्मगौरव है वह कहीं ना कहीं पददलित किया जा रहा था। हमारे आत्मगौरव को पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। हमारे अंदर एक हीन भावना आ गई थी। उस हीन भावना के कारण हमें लगता था कि जो हम पराधीन हैं उसके सम्मुख हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। अगर हम देखें दशमलव का, इसमें आर्यभट्ट का भी जिक्र हुआ है भारत भारती में, तो दशमलव का आविष्कार भारत में तो हो रहा है और बिना दशमलव के हम स्पेस में जा ही नहीं सकते। स्पेस साइंस पूरे का पूरा दशमलव के बाद के आंकड़ों पे निर्भर करता है। किंतु उस चीजों को हमने अपने भारतवर्ष में फैलाया नहीं, कहीं ना कहीं हमने उसे अपने लोगों तक पहुंचाने में चूक गए। इसीलिए इन्हें कहना पड़ रहा है हम क्या थे। हम एक बहुत बड़ा भूभाग था। जब हम देखेंगे कि प्लेटो के टूटने के बाद महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है तो एशिया महाद्वीप को विश्व में सभ्यता का पालना कहा जाता है। और वह सभ्यता कहां से प्रारंभ हो रही है तो हम देखेंगे प्रथम सभ्यता का विकास भारत भूमि में हो रहा है। तब भारत कहीं कंधार से लेकर पूरा जावा, सुमात्रा, माली तक फैला हुआ था। एक विशाल भूभाग हुआ करता था। हमारी संस्कृति इतने विस्तृत क्षेत्रों में फैली हुई थी, किंतु समय के साथ साथ इनको भी तोड़ा गया, टूटता गया। और इसीलिए बोलना पड़ रहा है कि हम क्या थे। हमारा भूभाग देखिए तो विशाल था, हमारी संस्कृति की विशालता थी। दर्शन यहाँ से यूनान तक जा रहा है, विज्ञान का विस्तार यहाँ से पूरी दुनिया में हो रहा है। हम पूरे भूभाग का भ्रमण कर रहे हैं और काव्य की एक पंक्ति में भी कहा जा रहा है कि हम दुनिया में भ्रमण तो कर रहे हैं लेकिन हम कहीं विद्रोह नहीं कर रहे। हम क्या लेके जा रहे हैं, शांति लेके जा रहे हैं। हम युद्ध से बुद्ध की ओर लौट रहे हैं। जब इसमें बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन सबकी बातें हो रही है इस काव्य में तो कहीं ना कहीं यह दिखाया जा रहा है कि भारत पूरी दुनिया में शांति का प्रसार कर रहा है। हमें क्या चाहिए था, हमें मानवतावादी मूल्य चाहिए थे। हम मानवता के पुजारी थे। हमारे पूरे अध्यात्म से लेकर इन सभी चीजों का जैसे जैसे जिक्र हो रहा है, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद या फिर बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सम्राट अशोक का जिक्र हो रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया जा रहा है, यहाँ तक कि यहीं पर सीमित नहीं हो जा रहा है, अकबर के सूरवीर जैसे वर्णन भी आ रहे हैं। अकबर को भी इस सांस्कृतिकता का हिस्सा बनाया गया। यही नहीं कि हमने वेद, गीता और उपनिषद तक छोड़ दिया और सांस्कृतिकता यहीं तक है। यहाँ अकबर के शासन काल को भी इंगित किया जा रहा है। कहने का मतलब है भारत का वो जो सांस्कृतिकता थी बहुत बहुत जब महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है तब से फैल रही है और उसी सांस्कृतिकता पर यह पूरा का पूरा काव्य लिखा जा रहा है। दूसरी ओर देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लोकतंत्र। जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी
तब गांधी जी से विचार लिया गया मौलिक अधिकार के बारे में। तब गांधी जी ने कहा था कि अगर हम मौलिक कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमें मौलिक अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जब भविष्य खंड पढ़ते हैं भारत भारती का, तब हम देखेंगे कृषक, व्यापारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कलाकार, साहित्यकार, इन सबके कर्तव्यों को गिनाया जा रहा है। दरअसल यही सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ी लोकतंत्र की खूबसूरती थी, मौलिक कर्तव्य। अगर हम कर्तव्य का पालन करें तो अधिकार छीनने की बात ही नहीं आएगी। तो इस काव्य में इस लोकतांत्रिक पद्धति का भी अनुसरण किया गया है। ज्यादा समय नहीं है, मैं पूरा पत्र वाचन नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस इन दो पक्षों को लेकर थोड़ी बातें जो हो सकी किया। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन ने राम नरेश त्रिपाठी के इस अमूल्य रचना को फिर से नहीं पहली बार पढ़ने का अवसर दिया और मैं पढ़ के अवाक हूं कि इतनी बड़ी दृष्टि, इतना बड़ा नजरिया एक लेखक कैसे अब तक हमारे पाठ्यक्रम से या हम लोगों के पढ़ने से रह गया। मैं एक बात रख रहा हूं जो पथिक में वह पद है, क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा, तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन तुम्हारा। राज नहीं भगवान है, राज नहीं सबसे बड़ा धर्म है और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करना ही हमारा धर्म है। इस अवधारणा को जिस तरह मात्र चार पात्रों के द्वारा उजागर किया है या हमारे सामने रखा है, वह एक अपने आप में अद्भुत है। एक है पथिक, दूसरा है पथिक की पत्नी, तीसरा है राजा और चौथा है मुनि। मात्र पांच खंडों में यह विभक्त जो पथिक काव्य का खंड है, इसमें सभी चारों व्यक्ति अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजा का एक वर्ग है, मुनि का एक वर्ग है और जो उनकी पत्नी है वह एक भारतीय स्त्री का या भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है और पथिक जो खुद पथिक वह एक पहले निराश उदास व्यक्ति कैसे एक भारतीय आंदोलन के प्रतीक के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यह पूरा का पूरा जो पथिक खंड काव्य है उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक भारतीयता, राष्ट्रीयता, गांधीवाद और उस गांधीवाद के बरक्स एक नए उभरते हुए भारत का स्वप्न, माने 1920 में ही रामनरेश त्रिपाठी ने ऐसे कॉन्सेप्ट को तैयार कर दिया कि 2022 का जो समय चल रहा है उसके भी कितने 22 आएंगे और वह कॉन्सेप्ट उससे बेहतर बनता जाएगा, माने एक बेहतर दुनिया बनाने का जो संकल्प है वह रामनरेश त्रिपाठी ने यहां पर एकदम बहुत बारीकी से उस चीज को यहां पे रखा है। दूसरी, जैसी बहुत चर्चा हुई है आज, दो महान व्यक्तित्व के कृतित्व पर यह चर्चा हो रही है, मैत्री चंद्रगुप्त और रामनरेश त्रिपाठी। तो शुरू में ही एक पंक्ति थी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। मैं छोटी सी बात कह के बात खत्म करूंगा। हम कौन थे यह पद है मैथिली चंद्रगुप्त का, लेकिन उसकी जो अवधारणा है वो कैसे रामनरेश त्रिपाठी के यहां विस्तृत रूप में दिखाई पड़ रही है। हम कौन थे में वो अपने प्राचीनता, विरासत, संस्कृति और अपने संस्कृति की महानता और जो चरित्र थे उनको सामने रखते हैं। दूसरा, क्या हो गए,
अब इसमें हमारी जो वर्तमान स्थिति थी, उस वर्तमान स्थिति को वह परिचित कराना चाहते हैं किसे, जनता को, और उस जनता को उस विनाशक स्थिति से मुक्ति मिले इसकी भी एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। और अंत में क्या और क्या होंगे, इसमें व्यंग भी दिखाते हैं इस पथिक रचना में क्या होंगे। और पतन, जो पतन की तरफ प्रमुख हमारी जो जाति है, उस जाति को एक चिंतन, एक विमर्श, एक दृष्टि के प्रति जागृत भी करते हैं। तो यह सारे के सारे राष्ट्रीय चेतना के चिन्ह इस खंड काव्य में पूरे पांचों सर्गों में क्रम से बिखरे पड़े हुए हैं। और यह साहित्य एक हमारे लिए पुनर्पाठ जैसा है और अपने आप को समृद्ध करने जैसा रहा, रामनरेश त्रिपाठी जी को पढ़ना और इस रचना को पढ़ना। इस मंच ने मुझे यह प्रस्तुत करने का अवसर दिया और समय की बाध्यता, तकरीबन 15 मिनट का मामला था लेकिन मैंने उसको समेट लिया क्योंकि बोलने वाला चाहता है बोले लेकिन सुनने वाले की एक सीमा होती है। और श्रोता, मैं विक्रम कुमार साहू, बैरकपुर राजपूत सेनानाथ कॉलेज से। मेरे पत्र का शीर्षक है भारत भारती का रचनात्मक समीकरण। रचनाकार कुछ लिखता है, आशुतोष सर से निवेदन है कि इस समीकरण को थोड़ा सा ध्यान से सुने क्योंकि पिछली बार मैंने उनको कुछ समीकरण दिखाया था प्रेमचंद की कुछ रचनाओं में। हम लोग साहित्य को बहुत ही संवेदना के स्तर पर पढ़ते हैं मगर मैं साहित्य को थोड़ा साइंटिफिकली पढ़ने का प्रयास करता रहा हूँ, कर रहा हूँ, आगे देखूँ कितना सक्षम हो पाता हूँ इस प्रयास में। इक्वेशंस जो होते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस जो होते हैं, भारत भारती को पढ़ते वक्त मुझे कुछ इक्वेशंस दिखाई दिए हैं उनके रचना क्रम को लेकर। एक तो विषय सूची का इक्वेशन समीकरण, दूसरा उनका हरिगीतिका छंद में लिखने का इक्वेशन, तीसरा जो है कि भारतवर्ष की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने का इक्वेशन, सत्य की महत्ता को भी प्रस्तुत करने का इक्वेशन दिखता है, और एक उदात्त भाव का, उदात्त भाव की पराकाष्ठा को प्रतिस्थापित करने का इक्वेशन। 40 मिनट में बोलूंगा, उदाहरण कुछ नहीं दूंगा कि खाली ये इक्वेशन हैं, उन समीकरणों को आप उदाहरण सहित अपने भारत भारती का अध्ययन करते समय थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे भारत भारती काव्य ग्रंथ के बजाय शोध ग्रंथ बहुत ज्यादा, इतनी बारीक बारीक और निखुत, मतलब भारतीयों के नहीं, विदेशी रचनाकारों के, विदेशी इतिहासकारों का उन्होंने उद्धरण प्रस्तुत किया है। और एक संश्लिष्ट, सुचिंतित, सुनियोजित, संयमित, वर्णात्मक, विवरणात्मक, तुलनात्मक, वैज्ञानिक शोध ग्रंथ मुझे दिखाई देता है। इसके पीछे कारण यह है कि जब आप विषय सूची के क्रम में जाइएगा तो स्टेप बाय स्टेप का जो सिद्धांत फॉलो किया जाता है एक रचनाकार, आपको, आप भारत भारती का विषय सूची लीजिए, एक विषय उसमें आप अपने से डाल करके देखिए, जगह ही नहीं, एक विषय नया आप उसमें डाल करके दिखा दीजिए मुझे, कहीं कोई गैप दिखाई नहीं देगा कि आप उसकी भरपाई कर पाए या फील कर पाए। दूसरा एक इक्वेशन जो है वो है लेखक इज इक्वल टू लेखनी, इज इक्वल टू उदाहरण, इज इक्वल टू पाठक और चरित्र कथा। ये इक्वेशंस वहां पर है भारत भारती में, आप देख पाइएगा। एक सीक्वेंशियल प्रारूप आपको उसमें दिखाई देगा, टोटल का टोटल सेचुरेटेड ग्रंथ है, एकदम संतृप्त। और एक तरह से कहा जाए तो बीजगणितीय, हम लोग बीजगणित पढ़ते रहे हैं, उसमें इक्वेशंस बनाने के लिए दिए जाते थे एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, चार उसके होते थे तुलनात्मक विधि और क्या बोलते हैं उसको, स्थानापन विधि, विलोपन विधि, ये सारी चीजें भी आपको उसमें दिखाई देंगी। और अभी एक नया बीजगणित में जुड़ गया है
ग्राफिकल मेथड। आप देखिएगा भारत भारत अतीत खंड में ग्राफ इस तरह से दिखाया गया और वर्तमान खंड में ग्राफ इस तरह से दिखाया गया। तो ये ग्राफिकल पैटर्न के आधार पर जिस तरह से उन्होंने चीजों को व्याख्यायित किया है वो हम जैसे छोटे पाठक क्या उनकी तारीफ कर सकते हैं। तारीफ मैंने तारीफ शब्द भी कम है। ये सारे विधियां तो मुझे दिखाई दिए हैं। भाषागत विधि को लेकर के भी देख सकते हैं हम। वाकया है कि द्विवेदी जी को वो बोलते हैं कि मुझे सरस्वती में छपना है, सरस्वती में। तो द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सरस्वती में तो सभी कोई छपना चाहते हैं, आप में क्या खूबी है भाई, तो कोई कविता भेजिए। तो हेमंत शीर्षक से उनकी कविता जाती है और उन्होंने कहा कि आप तो ब्रज में लिखते हैं, खड़ी बोली में लिखिए। तो देखिए स्वाधीनता का जो द्वार रहता है, संपूर्ण भारतवर्ष में खड़ी बोली अपने आप को प्रतिस्थापित कर रही होती है और भारतीय भाषाओं का वो प्रतिनिधि रूप होता है। ब्रज से एकाएक हिंदी में लिखने की जो कवायद शुरू हो रही थी यह एक मार्केबल बिंदु था मैथिली सरणी के लिए। और जब उन्होंने ब्रज को छोड़ करके हिंदी में अपना लेखनी शुरू किया तो 1905 से लेकर 21 तक यहाँ तक कि भारत भारती भी सरस्वती में छप चुका है काव्य ग्रंथ के प्रारूप आने के पहले। तो ये भाषा का समीकरण चल रहा था कि ब्रज के स्थान पर हिंदी को कैसे, खड़ी बोली हिंदी को कैसे स्थापित किया जाए, भाषा का समीकरण और छंद। और उसमें खड़ी बोली छंद, खड़ी बोली को कौन सा छंद ज्यादा सूट करेगा इसके लिए भी हरिगीतिका छंद को चुना गया। दोहा वगैरह में अगर लिखते तो शायद ये काव्य ग्रंथ उतना हमारे पास पठनीय नहीं होता। ये सारे समीकरण मैंने उसमें देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूंगा पथिक के संदर्भ में। सर ने कहा कि पथिक एक कदम आगे भारत भारती से चला गया। इसके पीछे कारण यह था क्योंकि भारत भारती के पहले तक कोई फ्रेम नहीं था हमारे पास और पथिक को भारत भारती का फ्रेम मिल गया, इसलिए वो एक कदम आगे चला गया। माफी चाहूंगा सर, सुना तो मन में आ गया तो बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। करूंगी 5 मिनट और 5 बातें, बस यही आज का मूल मंत्र है हमारा। मेरे शोध का विषय है शीर्षक के रूप में स्वाधीनता का संघर्ष, आजादी और पथिक की भूमिका। तो शोध आलेख तो बहुत बड़ा था लेकिन मैंने समझने की कोशिश की है। सर्वप्रथम मैं शुरुआत करती हूँ मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों से, जिन्होंने पथिक के संदर्भ में अपनी बात कही थी कि इस कालीन सिद्ध कविवर ने पावन पथिक कहानी उज्जवल गीतों में रचती है कीर्तिमय निजवाणी। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियां पंडित रामनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य पथिक की भव्यता एवं श्रेष्ठता को बड़ी ही सहजता से बयां करती है। स्वाधीन भारत के सपने को अपनी आंखों में संजोए हुए जब भारतीय जन समूह स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तब हमारे देश में रामनाथ त्रिपाठी जैसे कवियों, लेखकों और साहित्यकारों ने अपनी कलम से भारतीय जनता की हिम्मत को सहारा देने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि हमने हर स्तर पर सभी वर्गों के साथ मिलकर अपने देश को आजाद करवाया और निरंतर अपनी लड़ाई लड़ते रहे। स्वाधीनता आंदोलन का समय भारतीय इतिहास में ऐसा समय है जो अपने भीतर कई ऐसे प्रश्नों को, संशय को और बेचैनी को समेटे हुए है जिस पर सोचना और विचारना बड़े ही कठोर हृदय का विषय है। अंग्रेजी हुकूमत, विदेशी नीति, कूटनीति, शोषण, क्रूरतापूर्वक दमन इत्यादि कई काले पक्ष हमारे स्वाधीनता के संघर्ष को और भी पीड़ादायक बनाते हैं। अतिथि देवो भव की आस्था को समझकर हमने जिन गोरे अधिकारियों को आश्रय दिया उन्होंने ही हमारे अस्तित्व को मिटाने का हर संभव प्रयास किया। यह पहली बात है मेरी। और दूसरी जो पॉइंट है कि अंग्रेजी हुकूमत के चरम पर पहुंचने एवं भारतीयों के क्रूरतापूर्वक कुचलने की प्रक्रिया में स्वाधीनता संग्राम का संख्यात होता है। बात 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन की क्रांति से शुरू होती है। यही वह समय था जब देश में क्रांति की चिंगारी लग रही थी। भले ही
इस चिंगारी को अंग्रेजों ने अपनी दमन नीति के बल पर दबा दिया हो, परंतु इसी चिंगारी ने गुलाम भारत में क्रांति की आग लगाई। समय के साथ पराधीन भारत में हमारा संघर्ष उठते गिरते उम्मीदों के साथ को साथ लिए स्वतंत्र भारत के उद्देश्य को लेकर बढ़ता रहा और स्वतंत्रता के महायुद्ध में हमारे वीर क्रांतिकारियों के साथ तत्कालीन कवियों, लेखकों, साहित्यकारों, पत्रकारों एवं अन्य देशभक्तों ने एक साथ मिलकर अपनी आहुति दी। कलम, तलवार और शब्द, इन तीनों ने यह सिद्ध कर दिया कि हम शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण करते हुए न दैन्यम न परायण्यम के सिद्धांत को भी सिद्ध करने की क्षमता रखते। स्वाधीनता आंदोलन की मशाल जलाए रखने में हमारे कलम के सिपाही हर ओर से डटे रहे। तमाम राष्ट्रीय कृतियों के साथ साथ रामनंद त्रिपाठी की रचना पथिक राष्ट्रीयता के ओतप्रोत होकर साकार हो उठती है और यह एक महज खंड काव्य ही नहीं बल्कि तत्कालीन समाज को चित्रित करने का आईना भी है। यह एक कृति ही नहीं बल्कि देश को बचाने और स्वाधीन करवाने के लिए लड़ रहे क्रांति वीरों की चीख तड़प, खामोशी, व्यवस्था, लाचारी, छटपटाहट और हिम्मत को उजागर करने वाली करुण गाथा भी है। समय के साथ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जन आंदोलन में बदलता गया और वह दिन भी आया जब हम अपने ग्रामीण को छोड़कर स्वतंत्रता को गले लगाने के लिए आतुर हो उठे थे। तमाम वीरों की शहादत, क्रांतिकारियों के बलिदान और देश के हर कोने में हुए जन आंदोलनों का संघर्ष रंग लाया और हम अपनी धरती पर फिर से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए और यह क्षण भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल था जब हमारा देश स्वयं के स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता को पाकर अभिभूत हो रहा था। रामनाथ त्रिपाठी जी की के इस स्मृति काल में पूरी बात एवं कथा को 5 सर्गों में समेटा गया है। प्रथम सर्ग में सूर्योदय के स्वर्णिम बेला से कथा का आरंभ होता है। दूसरे सर्ग में साधु से भेंट और कथा के मुख्य पात्र पथिक को पलायनवादी प्रवृत्ति छोड़कर जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए वृद्धा पूर्वक अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने की बात कही गई है। यह कथा जीवन संग्राम, भारतीय की गुलामी और दासता की कहानी को बयां करते हुए उनको स्वाधीनता के पथ पर बढ़ने का किरदार दिखाता है। तीसरे सर्ग में दो बातें समानता चलती नजर आती है, एक और व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष, दूसरी और देश की स्थिति का वर्णन दिखाया गया है। इसके बाद कथा आगे बढ़ती जाती है। चौथे और पांचवें सर्ग में पथिक का संघर्ष और पथिक को दंड मिलता है और जिससे जो भारतीय जनता है वह उग्र रूप धारण करती है और अपने देश को आयात कराने के लिए प्रतिबद्ध होती है। इसमें मैं और कथे को विस्तार में नहीं बोलूंगी। अंतिम बात में बोलकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगी कि पथे के सभी पात्र वर्ग प्रतिनिधि के प्रत्येक रूप में चित्रित किए गए हैं। इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है जिसका उद्देश्य हर युग में देशभक्ति के स्तर को मोहित और उद्दीत करना है। और कुछ बात है कि हस्ती मृत्यु नहीं हमारी और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा के भाव को लिए हुए पथिक देशभक्ति की राह पर चलने वाले हर राही को आगे बढ़ते रहने की हिम्मत भी देती है। और विद्यार्थियों को सुने, मेरा शीर्षक है आज के संदर्भ में भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक कविता के विशिष्ट कवि हैं। विशिष्ट इस अर्थ में कि उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति को आधुनिकता, उदारता, विराटता और समग्रता से जोड़कर देखने की हमें दृष्टि प्रदान की है। वे प्रतिकूलताओं में भी जीवन की शक्ति तलाशते हैं। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक की भूमिका में वे जन्माष्टमी का जिक्र करते हैं। जन्माष्टमी कुछ दिन में ही आने वाली है और जन्माष्टमी में जब कृष्ण का जन्म होता है तो हमें पता है कि बहुत तूफान आता है और इस तूफान के बीच कृष्ण भगवान का जन्म होता है और जन्म के साथ ही हमें यह विश्वास भी है कि अब एक बुराई का अंत भी होगा, कंस का वध होता है। तो इसी संदर्भ में हम यह देख सकते हैं कि जब मैथिली शरण गुप्त इस भूमिका में जब जन्माष्टमी का जिक्र करते हैं तो यहाँ कृष्ण की मुक्ति का भाव में भारत की मुक्ति से जोड़कर देखते हैं, यानी कि औपनिवेशिक भारत शासन की दासता से मुक्ति का स्वप्न जो है वो मैथिली शरण गुप्त देख रहे थे। दरअसल गुप्त जी का साहित्य जो है वो समन्वय और जागरण का साहित्य है और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरे लगाव के कारण कुछ लोग उन्हें हिंदू संस्कृति के प्रबल समर्थक के रूप में देखते हैं, जबकि सच्चाई जो है वो बिल्कुल अलग है। वे गांधी और वैष्णव विचारों के ज्यादा निकट है। उनकी चिंता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं थी बल्कि उनकी चिंता पूरे भारत
व्यथा कथा से रही है और इसी संदर्भ को पूरा करने के लिए वे भारत भारती भी लिखते हैं और इस संदर्भ में आलोचक चंद्रबली सिंह का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक है, कोट करना चाहूंगी। उनकी राष्ट्रीयता गांधी युग की राष्ट्रीयता है जो धार्मिक पुट के बावजूद सांप्रदायिकता से मुक्त है, जिसमें वैष्णव उदारता है जो देश के साथ साथ सारी मानवता को प्यार कर सकती है। सिद्धराज के अंत में भी आक्रमण इस्लाम और मुसलमानों पर नहीं बल्कि उन आक्रमणकारियों पर है जो बलपूर्वक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते थे और मंदिरों को ध्वस्त करते थे। मतलब ये देखिए कि उनका किसी जाति और धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ना ही वो किसी के साथ भेदभाव करना चाहते हैं। वो उन लोगों के ऊपर ये गुस्सा दिखाते हैं या उन लोगों से दूर रहने की बात करते हैं जो कि हमारे लिए समस्या खड़ा कर रहे हैं या जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। भारत भारती की भूमिका में वे कवि कर्म से ज्यादा एक सोशल फिजिशियन की भूमिका में नजर आते हैं। तो सोशल फिजिशियन आप जो भारत भारती पढ़ेंगे तो उसकी भूमिका में हम देखते हैं कि किस तरीके से वे कहते हैं कि जो भी समस्या है वो खुलकर उस पर बात करना चाहते हैं। जैसे कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपनी समस्या का सारी समस्याओं को बताते हैं और यह समस्या बताने के बाद ही डॉक्टर इलाज करता है, उसी तरीके से मैत्री सरण गुप्त भी चाहते हैं कि सारी समस्याएं भारत की जनता के सामने रखी जाए ताकि भारत की जनता उन समस्याओं का समाधान करे और यह समस्या का समाधान जो है हम सब मिलकर करें। और इस संदर्भ में वे रोगों और खतरों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, कोट, परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में पड़े रहेंगे? क्या हम लोग अपने मार्ग से यहाँ तक हट गए हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते? क्या हमारी सामाजिक अवस्था इतनी बिगड़ रही है कि वो सुधारी नहीं जा सकती? क्या सचमुच हमारी यह निंद्रा चिड़ पितरा है? क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं है? वो चिंता व्यक्त कर रहे कि क्या हम इतने जड़ हो गए हैं कि हम फिर से वापस नहीं आ सकते? या फिर जैसा कि हम लोग एक कहावत सुनते आए हैं कि हर एक ताले की चाबी होती है, तो उसी तरीके से हर एक समस्या का समाधान भी होता है और उस समस्या का समाधान जो है हमें खोजना चाहिए, जिसकी तरफ मैथिली सरण गुप्त भारत भारती में इशारा करते हैं। आज भारत भारती का पाठ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक बार फिर भारत के सामने कई चुनौतियां जो है उपस्थित है। यही हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है कि राष्ट्र को पहचानने की, और आज राष्ट्र महज एक शब्द में सीमित हो गया है। आज राष्ट्र का अर्थ जो है वो संकुचित हो चला है, जिसकी वजह से एक धर्म, एक संस्कृति, कुछ प्रतीकों तथा जय घोषों में राष्ट्र की उदार और समावेशी आत्मा जो है लघुलुहान होती जा रही है। ऐसे समय में भारत भारती का पाठ जो है वो बेहद जरूरी है क्योंकि भारत भारती ज्ञान और विवेक का आलोक है। इसे लिखते समय गुप्त जी संपूर्ण भारत वर्ष और उसके भूत वर्तमान और भविष्य को केंद्र में रखते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ अतीत की बात नहीं करते बल्कि वर्तमान की भी बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत से सीखते नहीं हैं हम अपने वर्तमान को सुंदर नहीं बना सकते, और जो व्यक्ति वर्तमान को सुंदर नहीं बना सकता है वो अपने भविष्य को कभी भी सुंदर नहीं बना सकता है। और इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि वे पश्चिम के बजाय विवेकानंद और दार्शनिक चर्चाओं की बात करते हैं। और दरअसल आज जिस तरीके से हमारे शिक्षा और अभिव्यक्ति पर हमले हो रहे हैं यह बहुत ही चिंता का विषय है। हम जानते हैं कि आज वर्तमान में शिक्षा की स्थिति क्या है, किस तरीके से ऑनलाइन परीक्षा के बाद जब अब ऑफलाइन परीक्षा हो रही है, तो ऑफलाइन परीक्षा के दौरान शिक्षकों को विद्यार्थियों को क्या सामना करना पड़ रहा है, तो ये शिक्षा का जिस तरीके से अवनति की तरफ जा रहे हैं, तो यह दिखाने की कोशिश जो है वो मैथिली सरण गुप्त अपनी भारत भारती में भी कहते हैं। और वे कहते हैं गुप्त जी गर्व का बोध जो है वो मौलिक ज्ञान को मानते हैं, अनुकरण को नहीं। एक कोट करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। वे कहते हैं यह ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्व वृद्ध भारत वर्ष है। जाकर विवेकानंद सब कुछ साधु जन इस देश से करते उसे कृत्य कृत्य हैं अभी अतुल उपदेश से। अर्थात हम जो है अपने घर की चीजों को, अर्थात हमारे जो आसपास के लोग है, अभी ही मंजू मैम बोल रही थी कि हम अपनों को प्रेरित नहीं करते हैं और उसके महत्व को नहीं समझते हैं, जबकि दूसरे जगह के लोग जब स्वामी विवेकानंद जब बाहर जाकर अपना भाषण देते थे तो उनको बहुत ज्यादा महत्व
दिया जाता था, लेकिन भारत में उनको उस तरीके से महत्व नहीं दिया जाता था। तो जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी उसी तरीके से महत्व दें। और इसी के साथ मैं एक अंतिम पंक्ति पढ़ के अपनी बात खत्म करूंगी कि आज सबसे ज्यादा खतरा जो है वो भविष्य पर है, और आज जरूरी है कि भारत भारती हमारे सामने कई प्रश्नों को जो उठाती है उसका हल करें, और इन प्रश्नों का हल जो है हम सभी मिलकर ही कर सकते हैं। और कभी कहते हैं आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी।